नमस्कार दोस्तों, घर में ढोकला बनाना सबको बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा ट्रिकी लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आपके साथ सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ। 300 ml मैंने लिया है पानी, यानी कि 300 ग्राम, 300 ml। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। तो खट्टा मीठा होता है खमन, इसलिए चीनी यहाँ पर जाएगा। और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा साइट्रिक एसिड। यहाँ पर कुछ लोग नींबू का रस डालते हैं और कुछ लोग इसमें कुछ और डाल देते हैं, उससे नहीं बनेगा। सिर्फ इसमें साइट्रिक एसिड चाहिए परफेक्ट टेस्टी बाजार जैसा ढोकला बनाने के लिए। ये आपको इजीली राशन शॉप पे या फिर ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा। 1 पिंच हल्दी डालेंगे, ज़्यादा ना डालें नहीं तो ढोकला लाल लाल हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक स्वाद के हिसाब से डाल देंगे इसमें। और साथ में डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर कुछ लोग घी डालते हैं और शुद्ध घी डालते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, हमें सिर्फ रिफाइंड ऑयल चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उस टाइम तक जब तक कि अच्छे से ना घुल जाए। और फिर हम ले लेंगे बेसन। 250 ग्राम बेसन डाला है मैंने इसमें छान कर। तो अच्छे से छान कर बेसन डालेगा, बैटर ऐसा होगा जैसे इडली का बैटर होता है, तो बिल्कुल ऐसा जब बैटर हो तब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून इनो रेगुलर फ्लेवर वाला और 1 से 2 टेबल स्पून पानी, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे आप इनो डालेंगे एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, सारा बैटर फूल जाएगा, व्हिप क्रीम जैसा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे तुरंत किसी केक मोल्ड में या थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए